महानगर के बख्शीपुर में स्थित MSI इंटर कॉलेज इन दिनों डेंगू का दंश झेल रहा है। कॉलेज में रसायन प्रवक्ता, चपरासी और 11 छात्र इस चपेट में आ चुके हैं। इनमें से 4 छात्र कॉलेज के हॉस्टल में रहते हैं। डेंगू के प्रकोप के बाद कॉलेज में हड़कंप मचा है। हॉस्टल से बड़ी संख्या में छात्र घर चले गए हैं। आपको बता दें, अपर निदेशक स्वास्थ्य का कार्यालय हरकत में आ गया है। संयुक्त निदेशक डॉक्टर अरुण गर्ग और कीट विज्ञानी डॉक्टर VK श्रीवास्तव की अगुवाई में शुक्रवार को टीम जांच करने विद्यालय कैंपस में पहुंची। कॉलेज में नगर विकास अधिकारी JD के नेतृत्व में बड़ी संख्या में टीम सुबह 11 बजे से ही कॉलेज पहुंची, जहां पूरे कॉलेज की गंभीरता से जांच की गई। जांच टीम ने सबसे पहले केमिस्ट्री लैब का निरीक्षण किया, क्योंकि डेंगू की पुष्टि होने वाले मरीजों में रसायन विभाग के प्रवक्ता के अधिकांश छात्रों को ताल्लुक केमिस्ट्री लैब से ही था। जैसे ही जांच अधिकारी लैब में पहुंचे तो लैब के पिछले हिस्से में लगभग 2.5 फीट की खाली गैलरी थी, जहां काई जमी हुई थी और लैब में इस्तेमाल होने वाली बोतल पड़ी हुई थी। गहनता से जांच के बाद लैब की प्रयोग बोतलों में भरे पानी में सबसे पहले डेंगू का लार्वा मिला। ये सैंपल एकत्रित करने के बाद जाँच टीम केमिस्ट्री लैब के पास ही स्थित जनरेटर रूम में पहुंची। रूम के अंदर रखे ड्रम में निचले स्तर पर पानी था, जिसमें डेंगू का लार्वा मिला। इसके बाद टीम ने केमिस्ट्री लैब की छत पर जाने का फैसला किया। टीम छत पर पहुंची तो जांच अधिकारियों ने वहां लगभग 500 लीटर बारिश का पानी एकत्रित देखा। यह देखकर अधिकारियों ने कॉलेज को लीगल नोटिस जारी करने की बात कही है। 500 लीटर पानी को पूरी तरह काई जमी हुई थी, जल निकासी के रास्ते बंद थे। फौरन पानी को खाली कराने का इंतजाम किया गया और पानी बहाया गया। इसके अलावा छत पर जाँच अधिकारियों को बियर के केन मिले। एक बियर केन में पानी था, जिसमें डेंगू का लार्वा पाया गया। कॉलेज स्थित हॉस्टल में रहने वाले 4 छात्रों में भी डेंगू की पुष्टि हुई थी, इसलिए जांच टीम ने हॉस्टल का दौरा किया। जैसे ही टीम ने हॉस्टल में प्रवेश किया तो बाएं हाथ पर रखे ड्रम में पुराना पानी भरा हुआ था, जिसमें डेंगू का लार्वा मिला। इसके बाद जांच टीम ने पूरे हॉस्टल का मुआयना किया। ग्राउंड फ्लोर, पहले माले के साथ ही छत की गहनता से जांच की गई। यहां टॉयलेट खाली जगह पर बहुत गंदगी मिली। वहां मौजूद छात्रों ने बताया कि सफाई के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति होती है। कूड़ेदान गिरा हुआ, खाना बाहर पड़ा था, टॉयलेट गंदगी से भरे हुए थे। दिलचस्प है, डेंगू की पुष्टि होने के बाद सुबह 11 बजे ही जाँच टीम पहुँच गई थी। पूरे कॉलेज की जाँच करने में लगभग 3 घंटे का समय लग गया। नगर निगम एवं डेंगू विशेषज्ञ की टीम दोपहर 1 बजे कॉलेज प्रांगण से बाहर निकली। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम दोपहर 2 बजे पहुंची और कॉलेज परिसर के विभिन्न स्थानों का निरीक्षण किया। साथ ही टीम के सदस्यों ने कॉलेज के प्रधानाचार्य से डेंगू की पुष्टि वाले मरीजों की डिटेल मांगे। शनिवार को स्वास्थ्य विभाग की टीम सभी मरीजों के घर जाकर उनके खून का नमूना लेगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए MSI इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल जफर अहमद खान और मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर नीरज कुमार पांडे ने कहा, जफर अहमद खान, प्रिंसिपल MSI इंटर कॉलेज। डेंगू की शिकायत विद्यालय से रिलेटेड जो है वो उसमें यहाँ पर एक केमिस्ट्री के लेक्चरर हैं डॉक्टर वाहिद साहब। डॉक्टर वाहिद अली साहब को बुखार हुआ था और बुखार के बाद उनका जो टेस्ट हुआ तो उस टेस्ट में प्लेटलेट्स की कमी पाई गई और फिर उसको जो है वो आगे फिर सस्पिशन को दूर करने के लिए फिर डेंगू का भी टेस्ट कराया गया। तो जब डेंगू का टेस्ट कराया गया तो डेंगू पॉजिटिव आया उनका और फिर गोरखनाथ चिकित्सालय में वो भर्ती हुए और वहाँ पर उनका इलाज चला। एक तकरीबन 1 हफ्ते के इलाज के बाद जो है वो पूरी तरह से स्वस्थ हैं और इस वक्त जो है वो अपने घर पे वो आराम कर रहे हैं।
उसके अलावा कुछ बच्चों में भी जो है ये खबर मिली कि बच्चों को भी बुखार हुआ है, और उन बच्चों का जब टेस्ट हुआ तो उनको भी उसमें से सिर्फ 4 बच्चे ऐसे थे जिनको कि पॉजिटिव रिपोर्ट उनकी आई डेंगू से रिलेटेड, और उनका भी इलाज जो है हॉस्पिटलाइज करने के बाद कराया गया, और उसके बाद जो है वो बिल्कुल आज जो है वो बिल्कुल स्वस्थ हैं, और वो भी अपने घरों पर अभी डॉक्टर की सलाह के अनुसार जो है वो आराम कर रहे हैं। कॉलेज को जिस दिन इसकी सूचना मिली, कॉलेज प्रशासन तुरंत इस पर एक्टिव हुआ, और हर उस जगह पर जहां प्रोबेबिलिटी हो सकती है डेंगू के मच्छरों के लार्वा के होने की, उन सारी जगहों पर जो है वो हम लोगों ने स्वास्थ्य विभाग को पत्र लिख करके पहले तो फॉगिंग करवाई गई, उसके बाद जो है वो छिड़काव करवाया गया, ताकि अगर इस तरह की कोई भी प्रोबेबिलिटी हो तो उसको पूरी तरह से ख़त्म किया जाए और कॉलेज परिसर जो है वो पूर्ण रूप से स्वस्थ रहे, इसका पूरा इंतज़ाम किया जा रहा है। आज स्वास्थ्य विभाग से कई अधिकारी आए हुए थे, डॉक्टर्स आए हुए थे, उन लोगों ने भी पूरे परिसर का जायज़ा लिया है, और लेने के बाद उन लोगों ने इंगित किया है कि कॉलेज के किन किन जगहों पर किन किन स्पॉट्स पर जो है वो ध्यान देना है, क्योंकि उन जगहों पे लार्वा जो है डेवलप कर सकता है, इसलिए जो है अब उनका जो दिशा निर्देश है उस दिशा निर्देश के अनुसार अगले जो भी वर्किंग डे हमारा है उस वर्किंग डे से इसको एक ड्राइव की शक्ल दी जाएगी, और बच्चों में, टीचर्स में, एम्प्लॉइज़ में इसके लिए जो है वो उनको जागरूक किया जाएगा कि अगर कोई भी ऐसी चीज़ वो देखते हैं जो डेंगू को बढ़ावा दे सकती है, डेंगू को ज़्यादा इफ़ेक्ट डाल सकती है डेंगू के लिए, तो उन जगहों को जो है वो साफ़ सुथरा रखें और ऐसी तमाम चीज़ों को डिस्ट्रॉय करें जिससे जो है वो डेंगू के मच्छर जहां पर डेवलप हो सकते हैं बढ़ सकते हैं। मैं डॉक्टर नीरज कुमार पांडे, अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी। सूचना मिली थी और हमारी टीम वहां गई थी, अभी टीम ने वहां जाके देखा कि कुल 6 बच्चों में डेंगू के लक्षण पाए गए थे और उन सबका इलाज प्राइवेट अस्पतालों में चल रहा था, और वहाँ से वो ठीक होकर अपने घर चले आए हैं। बाकी स्थिति पर निगाह रखी जा रही है, कोई भी सूचना मिलने पर टीम कड़ी कार्रवाई करेगी। सर, इस बीमारी के क्या लक्षण है? इस बीमारी में मूलतः बुखार आता है और शरीर पर चकत्ते हो जाते हैं, तो इसलिए हम लोग हर बुखार को ट्रैकिंग करते हैं, वो चाहे जिला अस्पताल पर हो या PHC पर हो, वहाँ फीवर ट्रैकिंग रजिस्टर बना हुआ है और हर बुखार पर निगाह रखी जा रही है। इससे बचाव क्या उपाय है? इससे बचाव का एक पहला उपाय तो ये है कि आप प्रोटेक्टिव क्लोथ पहने, जिससे कि पूरा हाथ और पैर ढका हुआ रहे, मच्छरदानी लगाएं, घर में जल जमाव न होने दें, ये प्राय जैसे कि पुराने टायर होते हैं, डब्बे होते हैं, गमला है, कूलर है, ऐसे जगह पर ये मच्छर के अंडे होते हैं और वहीं पनपते हैं, तो इस तरह के जल जमाव न होने दें और आसपास साफ सफाई रखें। यदि कोई दिक्कत होती है तो हमारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या जिला अस्पताल में आवें और वहाँ चिकित्सकों से सलाह लें, किसी भी झोला छाप के चक्कर में ना पड़ें।